असलामुअलैकुम दोस्तों, क्या उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है, खिदमत है। दोस्तों आज का व्लॉग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैं मूव करूंगा, आगे पीछे जाऊंगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ आपको पार्सल नज़र आ रहे होंगे दराज से रिलेटेड, आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको वेयर हाउस दराज का हब जो सा है वो विज़िट कराऊंगा, क्यों कुछ पार्सल आए हुए हैं तकरीबन 1.5-2 महीने से। मैं दराज में भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, और मैं जो टेक्निकल चैनल पे जाके वहाँ से बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी ले रहे हैं दराज से मुतल्लक, और जितने भी ऑप्शन डाउन थे वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मकसद ये है कि मैं दराज के हब पे जाऊँगा, वहाँ से मैं पार्सल ले कर आऊँगा। वो बहुत सारे पार्सल जो उनसे मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उन्होंने मुझे कॉल की थी यहाँ से इस्लामाबाद I-9 के अंदर है हब, तो वो कह रहे हैं कि आगे रिसीव कर लें। इंशाल्लाह जुमा है, सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक भी, और इंशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद मैं जाऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ पार्सल्स पड़े हुए हैं काफ़ी, क्योंकि मैं पिछले दिनों में कुछ मसरूफ़ था और मेरे पास ये पेंडिंग पार्सल्स हैं, ये मैंने सबमिट कराने हैं। TCS और लेपर्ड ये मतलब अवेलेबल ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने लेपर्ड चूज़ किया हुआ है। दराज का अपना जो हब है वो काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो तकरीबन जारी सी बात है आजकल काफ़ी एक्सपेंडिचर पड़ जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इधर शिफ्टिंग करा ली है। अभी जो है सबसे पहले मैं ये करूँगा, ये पार्सल जो से मैंने लेपर्ड के अंदर सबमिट कराने हैं, और कुछ मेरे पास थे ये कैंसिल हो गए हैं, और ये वाले जो से सारे मैंने सबमिट कराने हैं। सबसे पहले तो मैं प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट करवा के, क्योंकि मैंने अभी अपना प्रिंटर जाती नहीं लिया। बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि मैं शॉपकीपर भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने अभी प्रिंटर नहीं लिया, बाकी सेटअप सारा तकरीबन मेरे पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह आने करीब मैं प्रिंटर भी ले लूँगा। अभी मैं जाऊंगा, पहले प्रिंट निकलवाऊंगा, क्योंकि वो भाई मेरे साथ उनके साथ कुछ मतलब अच्छी इस्लाम दुआ है, और वो मुनासिब कीमत पे मुझे प्रिंट निकाल देते हैं। वैसे ये होता है कि बेसिक आपको पता है कि आजकल रेट 10 रुपये चल रहा है, लेकिन उन भाई के साथ मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो मुझे मुनासिब कीमत में कर रहे हैं, ना होने के बराबर है। और बाकी जितने मनाजर वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं दराज से मुतल्लक मेरे वीडियोस को विज़िट करें टेक्निकल चैनल पे, और इसके अलावा ब्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं, वो बहुत सारी अपनी डेली रूटीन भी शेयर करता हूँ इस चैनल के ऊपर, वो ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में भी वीडियो गई हुई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैंने पेमेंट्स वगैरह ली हुई हैं, वो तकरीबन मतलब 3-4 लाख से भी ऊपर हैं। तो चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो थी मैंने फाइल व्हाट्सएप कर दी है, और भाई का ये पीछे शॉप है आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप प्रिंट और निकलवाते हैं। ये बार कोड जितने भी हैं वो सारे करो, ये 8 होंगे। पार्सल कंप्लीट कर लिए हैं जी, और आप निकलते हैं लेपर्ड पे जमा कराते हैं लेपर्ड। हाँ जी, ये जी लेपर्ड है, इधर मैं जमा कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये पार्सल ये रिसीविंग है। जी ये सबमिट करा दिए हैं मैंने पार्सल, और इसकी रिसीविंग जोन सी है मैंने ये ले लिया है, ये रिसीविंग आप देख सकते हैं। 20-30-40 कौन सी वाली? 20 वाली है, बड़ी 20 वाली। हाँ बड़ी निकालो ना, इससे बड़ी नहीं है, ये कितनी? ये 30 की नहीं लग सकती? 30 की लगा लो यार, खैर है लगाओ। बड़ा खट्टा है जी, बचपन याद आ गया है, बचपन में बहुत ज़्यादा खाता होता था मैं, ज़्यादा नहीं खाता, इसे काम गड़बड़ हो जाएगा, मसाला बहुत ज़्यादा वो है। कलेजी लिया जी, कलेजी अभी दोस्तों नहा धो के रेडी हो गया हूँ, अभी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जुमा पढ़ने के बाद फ़ौरन जो है दराज के हब
मींस जौन सा वेयर हाउस है द्रास का, वहाँ पर जाना है इस्लामाबाद I-9 में। तो जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जौन सा बाकी तैयारी करके निकल जाते हैं, खाना खाते हैं क्योंकि भूख भी लगी हुई है, खाना खा के निकलूँगा। ये जो कुछ भी इनको मिला है ये क्या है? आरजी। ईमान वालों के लिए जो तैयार करके रखा है वो जो जब उनको मिलेगा तो फिर वो आरजी नहीं है, वो हमेशा के लिए दुनिया के अंदर ईमान। दोस्तों जुम्मे की नमाज पढ़ ली है और अभी फौरन जाके खाना खाता हूँ और फिर जो I-9 की तरफ रास्ता पकड़ता हूँ। दोस्तों खाना खाने लगा हूँ और आज बनी हुई है कलेजी और आलू और इसके साथ चपाती है। ये देखें जी दोनों गिर्द हो गई हैं, अंबर उदा भी और नूरल दा भी, दोनों नज़र आ रहे। ये कहती हैं हमने कम की करनी है बाबा आपकी। और आराम से, और आराम से दद्दी होती है, एक बंदा करे एक। और बस 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 पेट्रोल डलवा रहा हूँ जी, फिर उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। तकरीबन 16 किलोमीटर जो सा है दूर है सफ़र। अच्छा तो दोस्तों मैं दराज की मेरे ख्याल से वेयर हाउस पर पहुँच गया हूँ। ये वेयर हाउस है, कुछ इसी तरह का नज़र आ रहा है, वेंडर्स हैं लिखा हुआ है, अंदर जाऊँगा तो पता लगेगा बाकी क्या सूरत हाल है। ये गाड़ियाँ वगैरह तो खड़ी हुई हैं उधर से। ठीक है जी, इधर से रहनमाई लिए कहते हैं, अपनी शॉप नंबर बताएँ तो उधर से मिल जाएगा। ये सारा जो है वेयर हाउस सामान वगैरह लोड कर रहे हैं, इधर से मैं जाता हूँ। भाई ये कोई रिसीव नहीं करनी थी पार्सल है ना? हाँ रिटर्न रिटर्न रिटर्न। बस जी आज फ्राइडे है ना, इस वजह से वो खाना खा रहे हैं, कहते हैं टाइम लगेगा थोड़ा सा। और ये वेयर हाउस में आपको एक नहीं दिखाता हूँ, ये अंदर जितना भी है ना सब तरह का वेयर हाउस है। कहते हैं इस दफ़ा रिटर्न की बहुत ही ज़्यादा मतलब डिलीवरी जो है फेल डिलीवरी आई हैं और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आए हैं तरह के। बस जी अभी जा रहा हूँ, 10-15 मिनट के बाद आऊँगा वापस क्योंकि टाइम लग जाएगा। ठीक हो गया गेट पास आ गया, ठीक हो गया मेहरबान। ये आ गया, ये गेट पास बन गए तो ये सारे दिन से 17 ये पार्सल रिटर्न आ गए इस दफ़ा, चेक करते हैं। बस दोस्तों अभी मैं वापसी के लिए निकलने लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद होगी। पार्सल मैंने ले लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बैटरी लो हो रही है मोबाइल की और गूगल में मैंने लगाना है। खुदा हाफिज़।